तेरे दिल को दिल लगी ना लगे, दिल लगी भी तेरे दिल को दिल लगी ना लगे। हेलो फ्रेंड्स, तो ये ब्लॉग है डे थर्ड गणेश पूजा का और आज ही है गणपति विसर्जन भी जो शाम को होनी है। तो आज सुबह सुबह ना मुझे कॉलेज जाना था, तो उससे पहले मैंने सोचा कि जैसे कि हर दिन का टाइम होता है 10:15 में ना पूजा स्टार्ट होती है, तो उससे पहले मैंने सोचा कि चलो आज गणपति बप्पा के भोग के लिए क्या बनाऊँ। तो मैंने सोचा कि चलो आज साबूदाना खिचड़ी बनाते हैं, और बाकी लोग भी बहुत कुछ लेकर के आने वाले थे। तो मैं मतलब जिया भी स्कूल चली गई थी, उसके बाद फटाफट मैं नहाने चली गई थी, नहा करके आई और मैंने बनाना शुरू कर दिया था। आलू को मैंने पहले ही ना कट करके बॉईल कर लिया था, थोड़ा सा हल्दी दे करके। तो बिना हल्दी के ना मतलब कुछ भी नहीं बनाते हम लोग, ऐसा ही मानते हैं। उसके बाद ये ग्राउंड नट मैंने ना उसे रोस्ट करके और फिर उसका ना मतलब थोड़ा सा क्रश कर लिया था, ग्राइंड नहीं किया था। और उसके बाद ये साबूदाना, तो बस जीरा और ग्रीन चिली का फ़ोरन मैंने दिया था और थोड़ा सा करी पत्ता। उसके बाद ये साबूदाना मैंने पहले ही सोख करके रख दिया था, तो काफ़ी खिला हुआ सा था। उसके बाद मैंने उसमें वही सेंधा नमक दिया और उसके बाद इसे मैश अच्छे से मिक्स करना, ये देखिए। और उसके बाद ना उसमें लास्ट में हम देंगे कोरिएंडर लीव्स और फिर ये लेमन का जूस और ब्लैक पेपर। बस मसाले में और कुछ भी नहीं, सिर्फ ना सॉल्ट और ब्लैक पेपर पाउडर। ये ऊपर से मैंने नींबू का रस थोड़ा सा दे दिया, जैसे ना काफ़ी अच्छा सा, स्टिकी भी नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पर मैंने उसे बड़े बाउल में डाला। और फिर उसे ले जाकर मुझे देना था, क्योंकि मुझे ना कॉलेज निकलना था, तो इसीलिए था कि मैं जल्दी से ना भोग एटलीस्ट दे करके आ जाऊँ, ताकि जो वहाँ पे लोग होंगे। उसके बाद तो मैं कॉलेज चली गई थी। और ये है शाम का, जब हम लोग सब रेडी हो गए थे गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए। और हम लोग ना मतलब सब रेडी तो हुए थे और हम लोग खिड़की से देखे जा रहे थे कि कोई आया है कि नहीं आया। तो उसके बाद फ्रेंड्स, हम लोग अब यहाँ रेडी हो गए हैं गणपति विसर्जन के लिए। तो मैंने और मिस्टी ने सेम ड्रेस पहना है, और जिया का भी था, बट जिया मैडम तो पहनी नहीं है। जिया मैडम ने फ्रॉक पहना है अभी, क्योंकि उनको पहनना नहीं है, उनको पता नहीं क्या हो रहा है उस ड्रेस को पहनने। जिया क्यों नहीं पहनी, तो पहनोगी ना? जिया को नहीं पहनना। हाय करो, हाय हाय करो सबको। आई उश उश ऐसे नहीं। अरे 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 क्या कर रही है तुम? तो चलिए फ्रेंड्स, गणपति विसर्जन के लिए हम लोग निकलते हैं और वहाँ चलकर दिखाते हैं कि कैसे आज सारे बच्चे ना काफ़ी एक्साइटेड हैं और सब लोग ना मतलब गणपति विसर्जन का वेट कर रहे हैं कि कब होगा। उसके बाद फिर मतलब हम सबका डिनर उधर ही होगा। तो चलिए ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद हम लोग सब नीचे आ गए, तो यहाँ आते हैं तो देखते हैं कि मतलब ना शायद खिड़की से मुझे अच्छे से दिख नहीं रहा था, यहाँ से बीच में एक पेड़ आता है ये ब्लॉक के सामने। तो इधर आई मैं तो सब लोग ना ये प्रसाद बनाने के लिए सारे फ्रूट्स और ये नारियल काफ़ी अच्छे से कट कर रहे थे। और ये हमारे अपार्टमेंट की ना यशोदा हैं, तो ये ना काफ़ी अच्छा हाथ से ही ना काफ़ी अच्छे से नारियल को तोड़े जा रही थी पीसेज में, और नारियल भी निकला जा रहा था। उसका आउटर पार्ट जो हार्ड पार्ट होता है वो अलग ही सेपरेट हो रहा था, तो हम लोग देख के तो वंडर कर रहे थे ऐसा कैसे इतनी जल्दी से। तो वो भी टेक्निक होता है। और यहाँ पर फिर पूजा की तैयारी चल रही थी उससे पहले कि आरती वगैरह होगी, उसके बाद ही विसर्जन का कार्यक्रम शुरू होगा। बहुत सारे बच्चे, सब लोग आज रेडी होकर के आए थे, क्योंकि आज गणपति विसर्जन था। और ना सब लोग ना डांस के मूड में पहले से बच्चे भैया ना।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर ना गणपति बप्पा का विसर्जन हो गया था हंसी खुशी के साथ, और थोड़े से मतलब थोड़ा सा दुख भी था क्योंकि इतने एक पूरे साल ना इंतज़ार होता है पापा के आने का, और पापा जब आते हैं तो पूरे मतलब ना हर जगह चारों तरफ खुशियाँ होती हैं, पूरा धूम धड़ाका होता है, और जैसे ही चले जाते हैं तब वैसे ही लगता ना कि मतलब जैसे किसी की विदाई, मतलब अगर घर से जब लड़की की शादी होती है, जो लड़की जाती है तो घर भी कैसे शांत हो जाता है, ठीक वैसा ही माहौल किसी के भी विदाई के साथ होता है। तो यहाँ पर पापा चले गए थे, तो यहाँ पर ना कुंड से जो विसर्जन के बाद जो पानी का छिड़काव किया जाता है, शांति जल जो कहते हैं, तो यहाँ पर ना मतलब इतना ज़्यादा जो फेंक रहे थे अंकल जी, उन्होंने ऐसा फेंका कि मैं तो पूरी वेट हो गई थी, पूरा ऐसा लग रहा था सब बच्चे ना मुझे चिढ़ा रहे थे, आंटी आपको कल नहाने की ज़रूरत नहीं है, आप पूरी भींग चुकी हो। तो बोला हाँ ठीक है देखो, और बच्चे ना और चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे उन्होंने। और इधर विसर्जन के बाद यहाँ पर जो रिचुअल्स होते हैं आसन का, वो हो रहा था। उसके बाद सब लोग खाना खाने आ गए थे, और खाना खाने के साथ ही मतलब आज का था कि अब चलो तीन दिन की जो पूजा थी आज संपन्न हो गई, और अच्छे से संपन्न हुई, ये एक अलग ही खुशी की बात होती है। और यहाँ पर ये हरिता जो काफ़ी मतलब कभी भी डांस करने को रेडी होती हैं, तो यहाँ पर सब लोग उनका बोल रहे थे, मैं बोला हाँ ठीक है मैं वीडियो बनाती हूँ आपका, तो ये लाइन में लगे हुए ही इनकी वीडियो बन रही थी और ये डांस कर रही थी। तो यहाँ पर सब लोग बोल रहे थे कि हरिता को कभी भी ना डांस करने को बोला जाए, हरिता हमेशा रेडी होती हैं। तो चलो अच्छा है, इतने एनर्जेटिक होना भी काफ़ी ज़रूरी होता है किसी के लिए भी। तो ये हम लोग ना सब लाइन में लगे हुए थे, उसके बाद हम लोगों ने खाना लिया, बच्चे खाना लेकर के आए थे, और उसके बाद ना इधर क्रैकर्स भी फोड़े जा रहे थे। तो चारों तरफ अभी गणपति बप्पा के विसर्जन की धूम चल रही है, क्योंकि अब एंड पे आ गया, एक दो दिन ही बचा हुआ है गणपति बप्पा के मतलब रहने का। अनंत चतुर्दशी के दिन फिर वो समाप्त हो जाता है, वो टाइम जो 10-11 दिन तक चलता है, जो पूरे देश में इसकी धूम होती है। तो गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलेंगे, तब तक लाइक एंड सब्सक्राइब। गणपति बप्पा मोरया।